यही खड़ेगा बेटा, एक बार रुको। शानदार ये मुकाबला, किशनपुरा का स्कोर है 3 होगी, यानी इस मैच की जो विजेता टीम होगी ना वो अगले दौर में जाएगी, वो लक किसका होता है। अब ये मैच होना है 3 के जवाब में 8, यानी जो मैच चल रहा है वो टीम है सेमीफाइनल का फतह तय कर चुकी। ये है खारिया कनीराम, इसका मैच तय। खारिया कनीराम ए, और इसके साथ मैच किसका होना है वो अभी चंद भी सेकंड के अंदर। जी हां, ये होगा बजरंग क्लब जयपुर विष्णु की टीम के साथ। तो आप दोनों टीमें जाएं और वार्म अप हो जाएं। बजरंग नहीं, आगे ग्रुप तो डिसाइड हो गया ना किसका किसके साथ होगा। अरे तो आगे भी थोड़ी देर से जो आएगा होगा नहीं, बाइक तो होगी लेकिन पहले पीछे। हाँ, आकाशदीप अकेडमी शिखर, आकाशदीप शिखर और टीम राजेश बांगड़वा। राजेश बांगड़वा, इसका कुछ फर्क नहीं है लेकिन सिस्टम होता है। अभी जो पहला एकमात्र क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा वो होगा खारिया कनीराम ए और बजरंग क्लब जयपुर के मध्य। उसके बाद में दूसरा पहला सेमीफाइनल होगा वो होगा टीम आकाशदीप डिफेंस अकेडमी शिखर और टीम राजेश बांगड़वा छजूसर। और उसके बाद में इस मैच की विजेता और जो खारिया कनीराम और जयपुर में जीतेगी उसका दूसरा सेमीफाइनल होगा। आज टीम खारिया कनीराम ए और बजरंग क्लब जयपुर, तैयारी तो करो, आप दोनों टीमें आ जाइए कोर्ट में। हाँ, दोनों टीमें कोर्ट नंबर 2 पे आ जाएंगे। खारिया कनीराम बिल्कुल कार्यकर्ता गांव में पानी का छिड़काव कर दे, ये मुकुल को बचा है। दोनों टीमें कोर्ट नंबर 2 पे आ जाएं। बिल्कुल, इस मैच की कमेंट्री के लिए मैं आपके साथ तैयार हूं, लेकिन जो स्कोरबोर्ड के सामने उनसे मेरी अपील रहेगी कि आपको स्कोरबोर्ड छुपा दे। सब बड़ी मुसीबत मान लिए थे ही बड़े जो थे बुलाए माना खुद को पड़े। बिल्कुल, इस समय जो मुकाबला चल रहा है उसमें 16 स्कोर है गागरवास, उसके जवाब में 10 सीएम कबड्डी का 5 है, 11 पॉइंट की बढ़त है गागरवास के पास। और गागरवास यदि यहां से जीतती है तो जो खारिया कनीराम ए और जयपुर के मध्य मुकाबला होगा उसके साथ पहला सेमीफाइनल होगा हुआ। एकमात्र क्वार्टर फाइनल मुकाबला प्रतियोगिता का है वो खारिया कनीराम ए और बजरंग क्लब जयपुर के मध्य एक नंबर ग्राउंड पे आ जाए दोनों टीमें। और इस मैच के निर्णायक होंगे उसका मैं अभी अनाउंस करने वाला हूं। काफी लंबी बता दें, हाँ विकास काछवा और प्रभात ढाका, आप एक नंबर पे मैच शुरू करवाएं, यहां से 10 सेक्टर का भी खाली करवा ले। लाइनमैन के दूसरा जाए वहां पे ग्राउंड नंबर 1 पे, थोड़ा कार्य करता हूँ, देखते पानी छिड़ते भैया। इस मैच के होंगे एक खिलाफ साहब, चलो थैंक यू, हमारा फ्रेंड्स बनता है। हल्का सा पानी का छिड़काव करते कोर्ट नंबर 1 पे और टीम आ जाए खारिया कनीराम और बजरंग क्लब जयपुर। और उसके बाद में अगले मैच के लिए शानदार मुकाबला, जानदार मुकाबला, जैसी दर्शकों को उम्मीद थी वैसा मुकाबला नहीं, बस जानदार शानदार ही है। 19 के जवाब सभी जी भी ध्यान दें, ये राजस्थान ओपन टूर्नामेंट है। यदि किसी भी टीम में कोई प्लेयर राजस्थान के बाहर से यदि पाया जाता है
है तो उस टीम को दंड सहित प्रतियोगिता से बेदखल किया जाएगा। कान खोल के सुनेगा टीम प्रभारी। बिल्कुल 4 पॉइंट और मिले हैं उस कोर्ट में आ जाए दोनों टीमें भाई। हाफ टाइम और चेंज दोनों टीमें आ जाए। जयपुर की टीम आ चुकी है, खारिया गंदीराम की टीम आ जाए। हाँ मैं भी बता दूं, कोई समय के जाने माने प्लेयर थे जिन्होंने अभी चित्रंजन ने नाम लिया, लेकिन जब से चित्रंजन ने ये मोर्चा संभाला ना सबकी हवा निकल गई। हाँ हवा निकल गई सबकी। एक बार पुनः अनाउंस करना, मैं सुन नहीं पाया। चित्रंजन ने थोड़ी देर पहले 15-20 धुरंधरों के नाम लिए थे जो कोई टाइम कबड्डी के सितारे हुआ करते थे। अच्छा आज सिर्फ देखने के लिए यहाँ आए। राजेश सुने नहीं को नहीं बूटी अगैया जोर उजगा जोर की जोर हटे और की बात तो उम्र उम्र को गेम हुए है। कबड्डी समय के सागर चले और निरंतरता के सागर चले। कोई टाइम में शानदार डूंगरी को मैच होती सिर्फ खुड़ी की टीम उठाया करती और आज रखुड़ी की इंट्री भी बुरी हुई। नहीं खुड़ी तो शानदार के समय सागेरी। मैं सागेरी की बात में कोई न्यारा करने थोड़े नहीं कर रहा, बात में कबड्डी की कर रही हूँ। खुड़ी का प्लेयर शानदार के सागर खेल लिया साहब, आप भी खड़ो खपन गेड़ा हम। नहीं खुड़ी के माइंड जगह दिन बाप आया की जोड़ी खेला करती थी, आज बठोट में खेले हैं तो भी टीम मजाल हो गई, दूसरी टीम आंख उठाकर देख ली। लेकिन वो वक्त था, वो उनका जमाना था, कभी कोहली का जमाना पांड्या का होता है। तो ये समय की बात है। ग्राउंड नंबर 1 पर टीम जयपुर तो आ गई है, तो क्या खारिया कभी नाम नहीं खेलना चाहती है मैच? यदि खेलना चाहती है तो अतिशीघ्र ग्राउंड में आ जाए। खारिया कभी नाम एक ही वो यहाँ पे उपलब्ध हुई है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ा धन्यवाद उर्मिला मैडम का भी जो फर्स्ट एड के साथ हमारे साथ